मतगणना का आज दिन है और समाजवादी पार्टी भी जीत कहीं ना कहीं पार्षद सीट से जो है वो हासिल कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर पार्षद मौजूद है। मैम, किस तरीके से जीत हुई है? बीजेपी के जहाँ तक पंचम लहरा रहा था, आपने साइकिल पर चढ़ करके पूरी जीत जीत ली। ऐसा है कि पिछले पार्षद जो थे निवर्तमान, वो हमारा बेटा था और इसने पूरे 5 साल बिना किसी भेदभाव के सबका काम किया। जो विकास का कार्य था, चाहे सड़कें बनवाना था, लाइट की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, सब काम पूरा कराया था। बिना काम किए कोई नहीं जीत सकता है, इसलिए हमारी विजय हुई है और काम ही बोलता है। सत्ता में रह करके भी बीजेपी को आपने हराया है, तो अब जनता की उम्मीदों में किस तरीके खरी उतरेंगी? क्या क्या वो काम करेंगी जो जनता चाहती है? जो चाहती है वो काम किया जाएगा। बहुत सारे काम हो भी गए हैं 5 साल में, यही तो किया गया है, और जो बाकी रह गए उन कामों को हम पूरा करने के लिए संकल्प है और हमने कहा भी है कि हम वो करवाएंगे। जो समस्याएं आमतौर पे लोगों की, नाली की, सड़क की और पानी की, वो क्या समस्याएं सही होंगी? ज़्यादातर नाली पानी सही है, लेकिन फिर भी जहाँ नहीं पहुँच पाया है, जहाँ नहीं हो पाया है विकास, थोड़ा बहुत रह गया है, वहाँ पर पहले सबसे प्राथमिकता उसी को दी जाएगी कि पहले नाली पानी और रहने की व्यवस्था हो। पुराने लखनऊ में ज़्यादातर देखा जाता है बिजली की समस्याएं बहुत होती है, तो आमतौर से उस समस्या से कैसे लड़ेंगे? ऐसा है, हमारे यहाँ बिजली की समस्या थोड़ा ख़त्म हो गई है, क्योंकि इन्होंने एक मतलब बड़ा ट्रांसफार्मर रखवा दिया है और उसको मतलब और एक जगह सब स्टेशन जो है वो हरदोई रोड पर ही रखवा दिया गया है, तो उससे जो बिजली की समस्या थी उससे तो हमें निजात मिल गई है। बाकी पानी की भी समस्या है और कुछ रोडें भी हैं बाकी हैं, नाली खड़ंजा बाकी है, वो भी करवाना है। माता जी पहली बार आएं क्योंकि महिला सीट थी इस बार, क्या आप उनको एक ऐसी चीज़ें बताएंगे, आप दिशा निर्देश देंगे कि इस तरीके से पूरा काम करना चाहिए और जनता की उम्मीदों पे किस तरीके से खड़ा उतरेंगे, ये सब चीज़ें समझाएंगे? देखिए, दिशा निर्देश की बात नहीं है, क्योंकि मेरी माता जी लखनऊ पब्लिक कॉलेज में टीचर रही हैं और वो बहुत पढ़ी लिखी हैं और समझदार हैं, हमको कुछ बताना नहीं है। लेकिन फिर भी चुनाव हम लोगों के विकास कार्यों पे जीता गया है और आगे हम लोग विकास कार्य करके दिखाएंगे, चाहे सरकार हमारी हो चाहे ना हो, हम लोगों को तरीके मालूम है कि हम लोग कैसे काम करना है, हम लोग काम करके दिखाएंगे। तो साइकिल पे जिस तरीके से चढ़ करके पूरी सवारी और पूरी जीत हासिल की है, जनता की कसौटी पे जरूर खड़े उतरेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, ये आमतौर पर हर पार्षद का सोचना है। बीटा जर्नलिस्ट पवन के साथ शिवा शर्मा, लाइव टुडे लखनऊ।